Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा तो बच्चों आज हम इस्लामियात पढ़ेंगे और चलो तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम सबको किसने पैदा किया हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और आपको पता है अल्लाह ताला ने सब कुछ सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया इतनी है इतनी नियामतें अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा घर दिया है इतना अच्छे अच्छे खाने के लिए हमें फ्रूट्स दिए हैं खाने दिए है, हमारे रहने के लिए प्यारे प्यारे घर बनाए उसके बाद इतने प्यारे पौधे बनाए इतने प्यारे दरख बनाए इतना सब कुछ हमारे लिए इतना प्यारा प्यारा बनाया है हाँ और आपको पता है अल्लाह ताला कितने अल्लाह ताला सिर्फ एक है हा तो अल्लाह ताला कितने ताला एक है। अब ताला ने लिया, इतना सब कुछ प्यारा बनाया तो हमें क्या करना चाहिए हमें ये करना है कि हमें एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है एक अल्लाह हमने इतने अच्छे अच्छे जो अल्लाह ताला ने हमें अच्छे अच्छे काम बताए हमने वो अच्छे अच्छे काम करने ताकि हमने अल्लाह तला को अपना दोस्त बनाना है जी और हमारा सबसे जो अच्छा दोस्त है वो कौन है हमारा अल्लाह ताला और अल्लाह ताला को हमने खुश कैसे करना है अच्छे काम करके ठीक है और अल्लाह ताला कितने अल्लाह ताला एक है तो अच्छे काम क्या होंगे हम एक अल्लाह ताला के लिए इबादत करेंगे जब भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी जब भी हमें कोई चीज जरूरत जुरूर, होगी तो हम अल्लाह ताला को बताएंगे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे फिर अल्लाह ताला वो चीज हमें देंगे ठीक है और अब क्या अब ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है शैतान हाँ आपको पता है वो हमारे क्यों दुश्मन है इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया था ना हजरत आदम को बनाया था वो हमारे सब सबसे पहले इंसान थे वो हम सब के बाप हैं ठीक है जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया था ना तो अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को सबको कहा था इनको सजदा करो और आपको पता है इबलीस था इबलीस चैतान था ना इबलीस ने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था इब्लीस ने कहा था कि मैं हजरत आदम से ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं आग से बना हुआ आग जो होती है वो मिट्टी से ज्यादा पावरफुल होती है ठीक है तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया था और उस वक्त जो इब्लीस है ना उसने अल्लाह ताला को कहा था कि अल्लाह ताला जो आपके ये जो इंसान है ना ये इतना अच्छा भी नहीं होगा जब इसको मैं गंदे काम करवाऊंगा ना तो फिर ये भी जन्नत में नहीं आएगा इसलिए हमें क्या करना है सबसे पहले अपना जो दुश्मन है इब्लीस जो है शैतान जो है उसको हमने भगाना है तो अब हम शैतान को भगाएंगे कैसे? अब हम शैतान को भगाएंगे ऐसे कि जब जब हमें शैतान को गंदे का हम बता रहा होगा ना तो हम क्या करेंगे हम क्या पढ़ लेंगे आए ना तो अपने बुक का पेज नंबर खोले थ्री जी सबक नंबर पे आए ठीक है तो हम क्या पढ़ेंगे तवज क्या पढ़ेंगे हम तावुज। जब हम तावुज पढ़ेंगे ना तो शैतान फौरन से भाग जाएगा और तवज है क्या मिनश न रजीम तावुद के आउज़ु बिल्लाही मिन अश्शैतानिर रजीम ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह कि मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ पनाह क्या होता है कि जब हम किसी चीज से बचना चाह रहे होते हैं कि मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बचा दे फ्रॉम सैटन द अकर्स्ड ठीक है तो किस से आप उससे मांगनी है हमने पना कि अल्लाह ताला से पना मांगेंगे किसकी शैतान मरदूद से ठीक है तो हम अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि अल्लाह हमें तुम शैतान से बचा दो तो उसका क्या होता है आउज बिल्ला ही ये न ठीक है तो अब जब जब हमें शैतान गंदी बातें बताएगा तो हमने क्या करना है आउज बिल्ला तो इसमें जो वर्ड तवज है तो ज का क्या मतलब है तोवुज़ का मतलब है किसी चीज से पनाह लेना पनाह लेना यानी किसी चीज से महफूज होना किसी चीज से बचना ठीक है तो अब तहव पढ़ने से क्या होता है इसका फायदा क्या है कि हम अल्लाह ताला के पनाह में आ जाते हैं अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं किससे शैतान के शर से शैतान की गंदी गंदी बातों से अल्लाह ताला हमें बचाते हैं ठीक है तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जब भी कोई काम करने लगो तो अवज बिल्ला पढ़ लेना चाहिए क्यों ताकि शैतान हमें गंदे काम नहीं बताए गंदी हमारे काम को गंदा ना करे ठीक है तो फिर जब हम आउजु बिल्ला पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं हमारी हिफाजत करते हैं या फिर जब हम कोई काम शुरू करते हैं तब भी पढ़नी चाहिए और जब हमें कभी शैतान तंग कर रहा हो हमें दिल आ रहा हो हम कोई जल्दी से गंदा काम कर लें तो हमें फिर फौरन याद आ जाना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा कौन दुश्मन था शैतान था ना तो वही हमें गंदी बातें बता रहे तो हमने उसको भगाना है जी अच्छा जी अब नेक्स्ट क्या है जब हाँ नेक्स्ट अब ये है कि हम क्या पढ़ते हैं एक और जी अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तस्मीजा तस्मीजा क्या है रहीम यानी शुरू अल्लाह के नाम से इन द नेम ऑफ अल्लाह ठीक है हमने किसके नाम से शुरू किया इन द नेम ऑफ अल्लाह अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस जो बहुत मेहरबान है ठीक है द मोस्ट मर्सीफुल जो बहुत रहम करने वाला है ठीक है अब जो अल्लाह है वो बहुत ज्यादा रह रहम भी करता है हम पे और बहुत ज्यादा हमारे लिए मेहरबान है क्यों मेहरबान है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे इतना कुछ तो बनाया है ना हमारे लिए तो जाहिर सी बात है इतना कुछ जो हमें देता है वो मेहरबान ही है और रहम कैसे करता है जब हम इतने गंदे गंदे काम करते हैं तब भी जब हम अल्लाह से सॉरी कर लें अल्लाह त से माफी मांग लें तो अल्लाह फिर हमारा दोस्त बन जाता है ठीक है तो अब बिसमिल्ला को अरबी में क्या कहते हैं बिसमिल्लर रहीम को अरबी में क्या कहते हैं तस्मी और आपको पता है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद सल्लाम थे वो क्या करते थे हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ने से इस काम में बरकत होती है और अल्लाह ताला क्या करते हैं अल्लाह ताला भी हमसे राजी होते हैं तो आज फिर अब हमने क्या करना है हर काम से शुरू करने से पहले अजुबिल्ला पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला, ताला हमें प्रोटेक्ट करें अल्लाह ताला, ताला हमारी हिफाजत करे और उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह तला हमें बरकत भी दे और क्या होता है अल्लाह तला हमसे राजी भी हो जाए अच्छा आपको पता है बरकत क्या होती है बरकत ये होती है कि जब अल्लाह ताला किसी काम में बरकत ना हमें वो काम करते हुए बहुत मजा आता है वो काम बहुत अच्छे से होता है ठीक है तो इसलिए अब हमने अल्लाह से बरकत मांगनी है ठीक है अच्छा जी उसके बाद आ गया आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए अपने पेज नंबर फोर पे आ जाए जी पेज नंबर फोर के ऊपर देखें ये क्या है पहला कलमा पहला कलमा क्या होता है पहला कलमा जी पहला कलमा आता है आप सबको hmm, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आपको तो सब कुछ आता है अच्छा ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ठीक है पहला कलमा क्या है ला यानी अल्लाह के सुबह कोई बात के लायक नहीं लायक नहीं है रसूलुल्लाह और मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ठीक है अब तैयब जो पहला कलमा तैयब तैयब का क्या मतलब होता है तैयब का मतलब होता है पाक सा पाक ठीक है पाकीजा बात या पाक और जो क्या होता है ना जब हम ये जो कलमा होता है जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुसलमान होते हैं कलमे में हम क्या पढ़ते हैं हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो ये जब दो बातें हम जुबान से बोलते और दिल दिल को, दिल से इसको मानते और अपने कामों से अल्लाह ताला को राजी करते हैं अल्लाह ताला के लिए अच्छे-अच्छे काम करते हैं तो फिर हम मुसलमान होते हैं ठीक है अब क्या है कि हजरत मोहम्मद वसल्लम ने ला इलाहा को सबसे अफजल जिक्र भी कहा है और फरमाया कि तुम गवाही दो अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं ये कलमा भी इसी बात की गवाही देता है कि इस बात की गुआई देता है कि क्या नाम है अल्लाह एक है और इबादत की और उनके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और साथ इसके जो दूसरा पार्ट है मोहम्मद रसूल उसमें क्या कहते हैं कि हसन मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है ठीक है समझ आईये हाँ और कलमा तैया को जो मानते नहीं है ना वो मुसलमान नहीं होते ठीक है और जो कलमा तैयबा को मानते हैं वो मुसलमान होते हैं जी तो अब हम आ जाते हैं अच्छा अब आपने मुझे कुछ आंसर्स बताने आप तो बड़े लायक बच्चे ठीक है <coughs> पहले ये मुझे बताएं कि तवुज़ की क्या मानी है जी तवुज़ के क्या मानी है तवुज़ के मानी है जी बना लेना ठीक है हाँ ये हमने पढ़ा है ना अभी 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 हम पढ़ के आए हैं तो तावुज के क्या मानी है बना लेना ठीक है ये हमने पढ़ा उसकी क्या मानी है पना लेना ठीक है अच्छा जी और दूसरा क्या है तस्मिया पढ़ने का क्या फायदा है ये भी तो मैंने आपको बताया था क्या फायदा है जी एक तो क्या अल्लाह ताला क्या करते हैं बरकत देते हैं और दूसरा क्या है अल्लाह ताला हमसे राजी होते हैं और फिर कलमा तैयबा का क्या मानी है तय्यब तैयब कलमा तैयब सॉरी का क्या मानी है तैयब का क्या मानी है बात ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट आ कि सही जो आप पर दायरा लगाएं शैतान के शर से पनाह मांगने के लिए क्या पढ़ते हैं जी जल्दी से बता दें जी बिल्कुल हम क्या पढ़ते हैं तावुज क्या पढ़ते हैं हम तावुज और कलमा तैयबा कलमा तैयबा को कहते हैं कौन सा कलमा होता है पहला कलमा बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करने से क्या होता है काम में बरकत होती है तो ये आज हमने पढ़ा आपको मजा आया तो अब हमने क्या करना है अब हमने ये करना है कि एक तो जब हम फ्री होंगे तो हम कलमा पढ़ा करेंगे ला इला, इला ला। फिर मिया में बहुत सुबाब देंगे ठीक है क्योंकि हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने बताया है ना कि अफजल जिक्र कौन सा है ला इल्लल्लाह और उसके बाद हमने क्या करना है हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है तवज़ पढ़ना है ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान से महफूज रखे और फिर तस्वियां पढ़नी है ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी भी हो और हमारे काम में बरकत भी दे ठीक है और आप सब बच्चों ने अब अपना बहुत ख्याल रखना है और बहुत अच्छे अच्छे काम करने और शैतान को कैसे दूर भगाना है आउ जब बिल्ला पढ़ के जब भी शैतान किसी काम के लिए तंग करेगा तो आपने क्या पढ़ना है आउज बिल्ला तो ठीक है अल्लाह हाफिज आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है अल्लाह हाफिज